हे दिल दरिया ते समुंदरों डूंगे ते कौन दिलांगिया जाने बिचे बेड़ी बिचे चपू ते बिचे पांच महाने है जितनिया तन मेरे ते लगिया तेरे इक लगे तू जाने नंगे पिंडे मिना छमका मारे ते मेरे रोंदे नैन मारे है उड़ वाला कुंजड़िए है उड़ वाला कुंजड़िए लम्मी रोड़ ए मोड़ांगी है एक परदेस अल्ला है एक परदेस अल्ला दूजी मारव छोड़ांगी हाय उड़ वाला कुंजड़िए लम्मी रोड ए मोड़ांगी। अभी हम रामाकुंडा में मौजूद हैं और रामाकुंडा में शूटिंग चल रही थी, और शूटिंग के दौरान हमारी मुलाकात जो है चमन लहरी जी से हुई है। चमन लहरी जी एक सिंगर के रूप में आप सब पूरा जम्मू कश्मीर में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इनको नहीं जानता होगा। काफ़ी अच्छी पहचान इनकी है जम्मू कश्मीर में एज अ सिंगर। और अगर हम बात करें यहाँ पे रामाकुंडा में, हम पहली बार आए थे और हमने यहाँ पे देखा कि शूटिंग चल रही है, तो हमने चाहा कि हम चमन लहरी जैसे शख्स हमारे साथ मिले और हम इनका इंटरव्यू ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है, तो हम इनसे बात करेंगे चमन लहरी जी से। तो सर, आज यहाँ पे आप शूटिंग पे आए हैं, थोड़ा बताएं हमें कैसा यहाँ पे, और आज पहली बार यहाँ पे शूटिंग पे आए हैं या इससे पहले भी कभी यहाँ पे अपने रामाकुंडा में शूटिंग की है? जी, न्यूज़ शहर इंडिया के सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरी तरफ से नमस्कार। बेसिकली ऐसे हम बाहरों बाहर निकल जाते हैं, आमतौर पर तगंटा होते हुए गूल वाला इलाका, बाकी अलग अलग लोकेशन में शूट किए हुए गाने, लेकिन मैं इस स्थान पर, इस जगह पर पहली दफा आया हूँ, रामाकुंडा में। रामाकुंडा में आपका पहला ये शूट पहली बार होगा? ही, और ये मेरा गाना इस जगह पे पहला ही है। अच्छा, तो इत्तेफाक से काला काला कोट गाना हमने किया था, तो उसका जम्मू में 14 मिलियन 15 मिलियन व्यूज उसके गाने को हुए। फर्स्ट डोगरी सॉन्ग था जो बिल्कुल। इतने उसको व्यूज क्रॉस हुए। तो उस सीरीज को मैं सोचा आगे चलाऊं, लोगों के कहने पर जो मेरे चाहने वाले हैं वो कह रहे थे कि उसका सेकंड वर्जन आना चाहिए, तो काला काला कोट टू जो गाना है वो हम यहाँ शूट कर रहे हैं। शूट कर रहे हैं। जी, तो वो गाना अगर दर्शकों ने प्यार दिया उस गीत को, तो ये लोकेशन उसके साथ बड़ी जुड़ने वाली है। अच्छा, तो बड़ा, और सबसे बड़ी बात हूँ, मैं ये दर्शकों को कहना चाहूँ कि ये जगह वाकई में, ऐसे कहते हैं ना कि मरने के बिना जन्नत नहीं किसी ने देखी होती, तो किसी ने अगर मरने से पहले जन्नत देखनी है तो ऐसी जगहों पर जरूर आप आए। और ये जगह गूल डिस्ट्रिक्ट, रामबन, सॉरी, रामबन डिस्ट्रिक्ट और रियासी डिस्ट्रिक्ट के बीच में पड़ती है। आधा पोर्शन इसका रियासी में, आधा रामबन में है। हाफ पोर्शन रियासी डिस्ट्रिक्ट का है, हाफ इसका रामबन डिस्ट्रिक्ट का है। तो खैर, जियोग्राफिकल चीज अलग है, अलग। लेकिन मैं इस पूरी एक लोकेशन को मैं एक ही चीज मानता हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। नेचुरल ब्यूटी भर एग्जैक्टली भर के है यहाँ हाँ, पे। बिल्कुल, यहाँ पे आपको मौसम इतना सुहाना मिलेगा, बिल्कुल। और जो वीडियोग्राफर्स हैं, जो अच्छे आर्टिस्ट सिंगर हैं, जो डांसर्स हैं, जो व्लॉगर्स हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज शहर इंडिया के माध्यम से, कि प्लीज आप एक बार इस जगह पर आए। आपके व्यूअर्स को मैं समझता हूँ कि ऐसी जगहों के आगे स्विट्जरलैंड की जो लोकेशंस फेल है, बिल्कुल फेल है, बिल्कुल। और हमारे हिंदुस्तान में, मैं हमारे जम्मू एग्जैक्टली कश्मीर exactly, में, जी बिल्कुल। सर, मैं इमेजिन कर रहा था कि अगर इस वक्त तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, जब यहाँ पे स्नोफॉल होता होगा बिल्कुल, तब क्योंकि क्या क्या नजारा होगा, होगा। बिल्कुल। और मैं फॉर श्योर, स्नोफॉल जब होती होगी शायद ये रास्ते बंद होते होंगे, लेकिन मैं बहुत वो मैं ये कहते हैं ना, इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि काश जब स्नोफॉल हुआ हो और मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। शूट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे, देखो, हमारा जम्मू कश्मीर बहुत खूबसूरत है, मैं बिल्कुल, सबसे बड़ी नो बात, डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं, और हमारा जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं, और हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष, पूरे पूरे ग्लोब पे सबसे खूबसूरत है ना जी। ऐसे तो सारी दुनिया खूबसूरत है, ये लोकेशन मैं समझता हूँ कि ऐसी लोकेशन कहीं नहीं मिल सकती। तो जो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग हैं, सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, आप एक बार आए। सबसे बड़ी मैं आपको एक टेक्निकल चीज बताऊं कि इस जगह पर इतने फ्रेम बनाए जा सकते हैं कि
कि इस लोकेशन को आप, मुझे लगता है कि एक एक आर्टिस्ट 100 गाना यहाँ पे शूट कर लेगा तो वो इस लोकेशन को अलग अलग एंगल से यूज कर सकता है, कर सकता है बिल्कुल, और एक गाने की लोकेशन दूसरे में मर्ज नहीं होगी, ऐसा नहीं लगेगा कि सेम लोकेशन पर, सेम लोकेशन पे इतने इसमें फ्रेम है। और मतलब मैं इमेजिन कर रहा था, मैं अभी गोजरी गाना, मैं न्यूज साइन इंडिया के दर्शकों को बता दूं कि आपके साथ मेरा पहला इंटरव्यू है, बिल्कुल, तो मेरा चैनल है चमन लहरी प्रोडक्शंस, यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने एक गाना किया था गोजरी उड वाला कुंजड़ी है, अच्छा, आपने वो सुना होगा, तो वो गीत मैं सोच रहा था कि उसका दूसरा वर्जन एक और वैसा गाना किया जाए, उसके लिए मुझे वैसी जगह चाहिए थी। तो जैसे ही मैं इस लोकेशन में एंटर हुआ, मुझे एक घर दिखे है नीचे, बिल्कुल ये मैं चाहूंगा आप प्लीज दिखाएं, ये जो मुझे घर दिखे है ना, आप यकीन नहीं करेंगे ये मेरे ख्वाब में थे, इस तरह की लोकेशन आपको मिलेगी। मैं कल्पना इमेजिनेशन कर रहा था कि मुझे काश ऐसी जगह मिले जहाँ पे कच्चे मकान 10-20-50 हो, है ना, और उसके बैक फ्रेम में जैसे पेड़ हो, माउंटेन पहाड़ हो, और गहरी ऐसे मतलब एक घाटी की तरह मुझे जगह चाहिए थी। जैसे मैं एंटर हुआ मुझे एग्जैक्टली सेम जगह मिली, मैं रुक गया वहां पे, मैं कहा भाई रुको यार, मैं बाहर उतरा, मैं कह तो ये मैं शूट के हुआ गान करने आया हूँ, एक और लोकेशन में मिल गई मुझे। अब गोजरी सॉन्ग जो मैं शूट करने वाला हूँ वो इस एरिया में करने वाला हूँ, बहुत खूबसूरत, और इतने सारे पोर्शन में मेरा पूरा गीत निकल जाएगा। अच्छा, इतनी खूबसूरती इस जगह की है, तो इस जगह पर आप जरूर आए, हमारा भी फर्ज बनता है कि ऐसी जगहों पर हम थोड़ा एक्सप्लोर करें, लोगों तक पहुंचे, क्योंकि जो लोग सुकून चाहते हैं ना, कुछ लोग जो शहरों में शोर शराबा भीड़ भाड़ पोल्यूशन में जो लोग उकता गए होते हैं ना, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, आपको अगर सुकून चाहिए, आप कुदरत के नजदीक जाकर उनको उसको फील करना चाहते हो, एक सुकून की सांस लेना चाहते हो, एक बार आकर देखो, अगर आपको सुकून नहीं मिला मुझे कॉल कर देना कि चमन लहरी आपने गलत बोला। बिल्कुल बिल्कुल, जो हवा चल रही है, बिल्कुल, इतनी उसमें वो प्योरिटी है, इतना साफ है, और इस मौसम का मैं समझता हूँ ना, ऐसे हम लोग नशे नहीं करते, जो आर्टिस्ट लोग हैं बड़े कम नशे करते हैं, हम कुछ नहीं नशा करते, यकीन जानिए आप, इस जगह पर आके इस लोकेशन का नशा हो जाता है, नशा हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, मन जाने का नहीं करता, ऐसी जैसी चीजों का नशा करना भी चाहिए, तो उस हमने नशे से बैठ रहे हैं, हमने प्लान किया था 1 बजे निकलने का 2:30 बजने वाले हैं, हम जाने रहे, बिल्कुल, हम यहाँ रील्स बना रहे, गाना तो शूट हो रहा है हमारा, वो तो छोटा सा पार्ट था, हो गया, लेकिन ऐसी जगह हमें मिलती नहीं है, और निकलने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल, और मैं ये समझता हूँ कि हम लोग बहुत खुश नसीब है कि हमें उस कुदरत ने ऐसी नवाजिशों के साथ नवाजा है ना। तो मैं एक और गुजारिश करूंगा, बड़ी मतलब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो लोग भी यहाँ पर आए, एक गुजारिश है मेरी, इस लोकेशन को जैसी आज है ये 100 साल तक ऐसी रहे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल बनती है, इसमें हम गंदगी ना फैलाएं, इसमें हम लोग जैसे कोई चीज कोल्ड ड्रिंक या चिप्स के पैकेट या वो रैपर या कोई वो चीज ना करें, और इसको साफ रखें, अगर किसी को दिखती है उठाकर साइड कर दें, क्योंकि ये सबकी किसी एक ही नहीं, सबकी लोकेशन है, तो इंसान की सबसे खराब फितरत है, वो जहां जाता है गंदगी बहुत फैलाता है, आप कहीं भी देखेंगे हमारे धार्मिक स्थान होते हैं, वहाँ लोग जाते हैं, बहुत ज्यादा वो गंदगी फैल जाती है, प्लास्टिक की बोतल्स हैं, रैपर्स हैं, चिप्स के पैकेट हैं, जो चीज है, हम एक कसम खाएं कि जब ऐसी लोकेशन को हम जैसी भगवान ने कुदरत ने बनाई है इनको वैसा ही रखें, इसका बस आनंद लें, सफाई का ध्यान रखें, और इनमें गंदगी कचरा ना फैलाएं। और एक और गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन से है कि इन लोकेशंस पे अभी मैं देख रहा हूँ खाने की चीजें अवेलेबल है, बट वॉशरूम नहीं है, एक टॉयलेट का कोई फैसिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए, उसे क्या होगा, ये लोकेशन बची रहेगी, बिल्कुल ओपन में कोई नहीं जाएगा, और कोई ओपन में जाए तो मैं दिल्ली तौर पर समझूंगा बहुत गलत करता है, नहीं जाना चाहिए ऐसी लोकेशन पर, और मैं सर ऐसी लोकेशन पर ओपन में वॉशरूम करना गुनाह समझता हूँ, बिल्कुल गुनाह, बिल्कुल, है ना। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ, रियासी एडमिनिस्ट्रेशन से और अपने रामबन एडमिनिस्ट्रेशन से, जो भी जैसे भी कोलैबोरेशन के साथ, मुझे पता नहीं कैसा होता है ज्योग्राफिकली कहाँ बनती कैसे नहीं बनती, एक वॉशरूम की फैसिलिटी हो और बाकी जो बेसिक फैसिलिटी जो होती है वो हो, और मेरे ख्याल से थोड़ी सिक्योरिटी भी यहाँ पे हो, ताकि जो कोई गंदगी फैलाए रैपर फैलाए उसको जुर्माना टाइप हो, क्योंकि ये मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा खजाना है, बिल्कुल इसकी बिल्कुल। इसकी सेफ्टी करनी चाहिए। नहीं सब रोड पर रोड के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि अगर रोड फैसिलिटी लोगों को अच्छी मिले, रोड कनेक्टिविटी तो है, हमारी गाड़ियां बहुत मुश्किल से चढ़ी है, एक गाड़ी तो हमारी जो ऊंची बड़ी गाड़ी थी वो आ गई, दो तीन गाड़ी पीछे हमारी रुक गई, फिर हमने यहाँ से वो जो हैवी लोड कैरी गाड़ी है वो करी। रोड कनेक्टिविटी कंपलसरी है, वो मैं चाहता हूँ दोनों तरफ से जो रोड है ब्लैकटॉप हो जाए, अच्छा रोड हो जाए, ये प्रायोरिटी पे है, क्योंकि पर्यटक आएंगे, टूरिस्ट आएंगे तो लोगों को बेनिफिट होगा, बिल्कुल, वो आएंगे कैसे, रोड अच्छा होगा, रोड अच्छा नहीं होगा कोई नहीं आएगा, सिंपल चीज है, ये चीज एडमिनिस्ट्रेशन को सोचनी पड़ेगी कि कनेक्टिविटी अच्छी होगी, रोड फैसिलिटी अच्छी होगी तो पर्यटक खुश होकर आएंगे, रोड अच्छा नहीं होगा तो लोग अपने फैमिली को लेकर कभी भी डेंजरस रोड में नहीं जाएंगे,
रोड अच्छा हो, ब्लैक टॉप हो जाए, एक प्रॉपर तरीके से रोड की मेंटेनेंस हो जाए, कंपलसरी चीज है। चमन जी, चमन लहरी का इंटरव्यू हो और कोई गाना ना गाए, ऐसा हो नहीं सकता है, तो कुछ सुनाएंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? बिल्कुल सुनाएंगे। हे दिल दरिया ते समुंदर डूंगे ते कौन दिलांगियां जाने बिचे बेड़ी बिचे चपू ते बिचे पांच महाने है जितनिया तन मेरे ते लगिया तेरे एक लगे तू जाने नंगे पिंडे मिना छमका मारे ते मेरे रोंदे नैन मारे है उड वाला कुंजड़िए है उड वाला कुंजड़िए लम्मी रोड ए मोड़ांगी है एक परदेस अल्लाह है एक परदेस अल्लाह दूजी मारव छोड़ांगी है उड वाला कुंजड़िए लम्मी रोड ए मोड़ांगी। जबरदस्त जबरदस्त। अगर हम बात करें जिस तरह से आपने यहाँ पे बेसिक जो फैसिलिटीज लोगों को मिलनी चाहिए थी उसकी बात की, हालांकि मैंने आपसे पूछना था कि आपको क्या कुछ यहाँ पे कमियां लगी, आपने खुद ही वहां से जो महसूस किया वो आपने बता दिया। तो यहाँ पे जो इस तरह की लोकेशन है, मैं यही कहूंगा कि यहीं पे जो इस तरह की लोकेशन है, डडन ट्रॉप है यहाँ पे है या बाकी सारी लोकेशन है, वहाँ पे कुछ शेड भी होना चाहिए ताकि अचानक से अगर कोई बारिश वगैरह हो तो वहाँ पे अपना जाकर रुक सके। मैंने जब बेसिक फैसिलिटीज की बात करी तो उनमें सब इंक्लूडेड है वो चीज़। खाने के चीजें हो गई, दुकानें हो गई, वॉशरूम फैसिलिटी हो गई, रोड कनेक्टिविटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी हो गई, शेड हो गए, जो जो क्या बोलते हैं उनको, विश्राम घर जैसे टूरिस्ट के लिए बैठने के लिए चीजें होती हैं वो हो गए। और इवन मैं ये समझता हूँ कि जो भी प्रोविजन हो, अब जो रेवेन्यू का है या जो भी है, मैं समझता हूँ कि रात को रहने की भी फैसिलिटी यहाँ पे हो, कोई होटल बन जाए या उस तरीके का कोई फैसिलिटी हो जाए ताकि कोई पर्यटक रात को रुकना चाहे तो वो रुक सके, चाहे वो किसी डिस्टेंस पर हो, मतलब जो प्रोविजन बनता है, मैं नहीं कहता इसी लोकेशन पर हो, थोड़ी सी डिस्टेंस पर चाहे, लेकिन एटलीस्ट फैसिलिटी हो, कोई रुकना चाहे तो, क्योंकि रियासी से या रामबन से थोड़ा दूर पड़ता है ये, और ये बड़ा ऐसी जगह पर हर फैसिलिटी होना तभी तो लोग आएंगे। लोग आएंगे तो हमारे लोकल लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा, हमारे इलाके की तरक्की होगी, वो दुनिया तक पहुंचेगी और उससे एक वैल्यू बनेगी पूरे इलाके की, पूरे हमारे स्टेट की वैल्यू बनेगी कि क्या क्या चीजें वहाँ। श्रीनगर में आप देखें, मैं चाहता हूँ श्रीनगर की तर्ज पर इसको डेवलप कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ के लोगों ने उन लोकेशन को इतना इतना एक्सप्लोर किया कि वहाँ स्विट्जरलैंड के लोग वहाँ घूमने आते हैं, बिल्कुल यहाँ के वहाँ जाते हैं, वहाँ के इधर आते हैं, तो दुनिया भर से लोग मतलब आए। मैं ये चाहता हूँ, मैं जम्मू प्रोविंस में बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन है, लेकिन कहीं थोड़ा बहुत ना इग्नोर किया जाता है जम्मू प्रोविंस में, और खासकर ऐसी लोकेशंस में बड़ी अच्छी-अच्छी लोकेशंस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो सोशल मीडिया के आने के बाद एक्सप्लोर भी हो रही है। मैं ये नहीं कह सकता कि इग्नोर किया जाता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट हो जाएगी। हर देखे सर, एक एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा कुछ संभालना होता है, जो चीज श्रीनगर में भी संभाल रहे हैं, जो प्रायोरिटी पर होता है वो पहले उसको देखते हैं। अब श्रीनगर के मुकाबले जम्मू हमारा इतना डेवलप नहीं है, क्या रीजन रहे, वो पॉलिटिकल रीजन थे, फाइनेंशियल रीजन थे, वो गॉड नोज, वो अलग चीज है। बट मैं ये समझता हूँ कि अब थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो चलो ठीक है, ग्रेजुअली हो बट हो जरूर, ये चाहता हूँ। अब जैसा श्रीनगर में डेवलपमेंट हुई है, इतनी एकदम से ज्यादा हो नहीं सकती, वहां समय लगा है, टाइम लगा है, यहाँ धीरे धीरे हो जाए। मैं समझता हूँ कि चाहे धीरे धीरे हो बट हो जरूर, बेसिक चीजें चाहे हो बट हो जरूर। सिर्फ ये जगह है, और बड़ी सारी जगह है हमारे माहौर में, कितनी जगह है रियासी में, कितनी हमारे लोकेशन है, आप यकीन नहीं करेंगे, लगभग 10 गाने रियासी में शूट किए, और ऐसा नहीं लगता कि ये एक लोकेशन सेम लोकेशन है, इतने मतलब इतनी खूबसूरत वो जगह है। और इन लोकेशनों का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये हर सीजन में अपना रूप बदल देती है। बिल्कुल, आप इस मौसम में इसकी जो जो ग्रेस है वो अलग है, ब्यूटी अलग है। आप सर्दी में आएंगे, इसकी ब्यूटी अलग रहेगी, बिल्कुल। तो आप किसी और सीजन में आएंगे,
तो इन इन लोकेशंस को बहुत अलग अलग तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, और इन इन, इन, इन मैं समझता हूँ कि एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है हमारे स्टेट के लिए। बिल्कुल चमन जी, काला कोट जो आपने गाना गाया था उसकी सीरीज आप चला रहे हैं आगे, आज भी उसी का जो है आप शूट कर रहे हैं यहाँ पे। मैं चाहूंगा कि आप पहले वाले का, नए वाले का तो आप नहीं सुनाएंगे, लेकिन पुराने वाले का सुना दें। और मैं गुजारिश और करूंगा उस गीत को आप पूरा जरूर सुने, और चमन लहरी प्रोडक्शंस यूट्यूब चैनल है उस पर जरूर जाए और उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, बताएं कि आपने इस लोकेशन पर मेरा इंटरव्यू देखकर वो विजिट किया है। तो मैं स्पेशली उन व्यूअर्स को कंसीडर करूंगा। तो दो लाइनें उसमें पेश करूंगा। ओ काला काला कोट मेरे दर्जी, काले तागे सीना वलाओ, ओ काला काला कोट मेरे दर्जी, काले तागे सीना वलाओ, ओ लगिया परीता दूर दराजड़े, मुश्किल कीता जीना वलाओ, ओ काला काला कोट मेरे दर्जी, काले तागे सीना वलाओ। शुक्रिया, जबरदस्त जबरदस्त, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। पहला इंटरव्यू हमारा आपके साथ है न्यूज़ एयर इंडिया के माध्यम से। तो चमन लहरी जी सिंगर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, आज हम रामाकुंडा में हैं, तो इनका यहाँ पे शूट चल रहा था तो हमारी इनके साथ मुलाकात हो गई है। तो आपकी इस पे क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इनके गाना जो अभी आने वाला है तो उसको भी जरूर लाइक पसंद कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने सारा बता दिया है कहाँ पे वो आने वाला है। शुक्रिया।